हेलो गाइस, मेरा नाम है अवान रसूल और आज जो हम देखने वाले हैं वो होगा ट्रेलर द किंग्समैन मूवी का। जी हाँ, पहले भी इसके दो पार्ट आ चुके हैं पर मुझे लगता है इसके नाम से कि ये उसका सीक्वल नहीं होगा। या तो ये जैसे एक्समैन मूवीज बन रही हैं, अब यंगर वर्जन के सारे हीरोज के बारे में स्टोरीज चल रही हैं, मुझे लगता है ये भी एकदम डिफरेंट स्टोरी जाने वाली है, ये उससे आगे की स्टोरी नहीं होगी क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, द किंग्स मैन है। तो गाइस, ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो इस मूवी के बारे में मेरे पास है नहीं अभी फिलहाल, तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस ट्रेलर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलेगा और मूवी जब रिलीज होगी तो क्या एक्शन पैक मूवी हमें मिलती है। तो चलिए हमारा ये वीडियो हम शुरू करते हैं, लेट्स डू इट। इतना डिस्ट्रक्शन पहले गाइस, वैसे ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सनसेट और उसके बाद डिस्ट्रक्शन ही है पर सीन अच्छा है। ओके, वर्ल्ड वॉर जैसा लग रहा है मुझे ये मूवी, वैसी ही पोर्ट्रे की जा रही है। Throughout time, our people robbed, lied and killed until one day we found ourselves noblemen. Guys, I'm sure ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 की chivalry. 2 के ऊपर ही बेस्ड है ये मूवी। It came from being tough and ruthless. पर किंग्समैन क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो ये आपने अंगूठी पहचानी होगी, किंग्समैन जैसा। रियल पावर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग हु इट इज यू आर ट्रूली फाइटिंग। किंग्समैन एंड हाउ दे कैन बी डिफीटेड। I know you want to fight, but there are other ways of doing your duty. Kingsman, Taylor Shaw. Come on. February 2020. Dure. शुरू में इस ट्रेलर ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया, मुझे लगा ही नहीं कि ये किंग्समैन मूवी है, पर धीरे-धीरे जैसे ये आगे बढ़ा ये ट्रेलर, तब आप सभी को भी क्लियर हुआ होगा कि ये किंग्समैन की ही मूवी है। इनका लास्ट में आप देख पाते हैं कि एक टेलर शॉप है जो कि इनका हेडक्वार्टर होता है, हर एक मूवी में आपने देखा होगा ये सूट्स बनाते हैं और पीछे आप जब जाएंगे तो इनका एक सीक्रेट हाइड आउट होता है, इनका ऑफिस होता है, आप इन्हें जो भी कहें इनका अड्डा होता है। तो वही है किंग्समैन की मूवी और वहीं से आपको पता चलता है कि ये डेफिनेटली एक किंग्समैन मूवी है, जहां इनके सारे गैजेट्स होते हैं, इनके यूनिफॉर्म्स होते हैं, इनकी सारी हाईटेक, इनकी हाईटेक इक्विपमेंट्स होती हैं। तो देखने को आपको बहुत कुछ मिल, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये कोई सीक्वल नहीं होगा मूवी का और ये सही बात निकली क्योंकि ये बिल्कुल एक्समैन जैसा निकला। ये अब आपको बिगनिंग से स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं किंग्समैन की और कहां से ये शुरू हुआ किंग्समैन। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है क्योंकि अब तक की किंग्समैन बहुत अच्छी रही है, 1 भी और पार्ट 2 भी, और इस मूवी की कहानी चल रही है वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है अभी फिलहाल, और इसी में वो इस किंग्समैन की कहानी को ढालना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि किंग्समैन की शुरुआत वहीं से हुई है क्योंकि एक्समैन में भी यही हुआ था, उन्होंने सब कुछ एंड होने के बाद आपको उसकी बिगनिंग दिखाई थी कि एक्समैन की ओरिजिन हुई कहां से, वैसे ही ये अभी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ओरिजिन किंग्समैन का हुआ कहां से। राय, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर इतनी सारी मूवीज बन चुकी हैं कि आप और हम गिन भी नहीं सकते और ये भी मूवी उसी लाइन में है, उसी कतार में है, पर हाँ ये मूवी अलग होगी क्योंकि ये है एक किंग्समैन मूवी। जी हाँ, इसका स्टैंडर्ड कुछ अलग होता ही है हमेशा,
और आपने इसके ट्रेलर से ही पता कर लिया होगा कि ये कितना स्पेशल होने वाला है। तो चलिए, इस मूवी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे पाऊंगा क्योंकि इसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है और अभी ये बहुत दूर है, फरवरी में आ रही है, तो तब तक इसके और भी ज़्यादा ट्रेलर आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।